बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिनी कुकिंग माय स्टाइल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ गोला कबाब। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, तो आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखनी है कि मैं बीफ गोला कबाब कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच मैंने यहाँ पर जायफल पाउडर लिया है और 2 पिंच मैंने जावैत्री पाउडर लिया है। अगर आपके पास जायफल जावैत्री पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया और 1/4 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है, मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा भी घी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए प्याज लिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, रोस्टेड बेसन है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर लिया है मैंने और उसमें मैं डालूंगी ये कीमा। सारे स्पाइसेस डाल दूंगी, बेसन, फ्राई किया हुआ प्याज, धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें और घी। घी मैंने डाल दिया, अब इसको बंद करेंगे और चॉप कर लेंगे। तो ये चॉप हो चुका है और अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने मिक्सर को बाउल में निकाल लिया है, अब मैं हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं हाथों को ग्रीस करूंगी ऑयल से और गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाऊंगी चम्मच से, ठीक है, एक बड़ा सा बोल बना लेंगे, अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। तो ये मैंने बना लिया एक और मैं बना बना के इसको प्लेट में रखती जाऊंगी और इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूंगी। यहां पर मैंने सारे गोला कबाब बना लिए और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। एक पैन लिया मैंने और फ्लेम ऑन करूंगी और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल में डालूंगी 2 टेबलस्पून। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है तो हम इसमें गोला कबाब डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें गोला कबाब डाल दूंगी। मैंने सारे गोला कबाब डाल दिए हैं, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करूंगी 10 मिनट एक साइड से। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज करके फिर 10 मिनट दूसरी साइड से हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
मैंने साइड चेंज कर ली है। अब फिर हम इसको 10 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। गोला कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको दूंगी कोयले का स्मोक, ठीक है। नीचे मैं ब्रेड का स्लाइस रख रही हूँ और कोयला ऑयल डाल दूंगी थोड़ा सा और इसको कवर कर दूंगी। तो चलें, गोला कबाब हमारे रेडी है और हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम में बंद करूंगी और इसको प्लेट में निकालूंगी। तो प्लेट में मैंने निकाली और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट मैंने कर लिया है। अब ऊपर गार्निशिंग कर दूंगी मैं हरा धनिया, ठीक है, अनियन रिंग्स और लेमन का स्लाइस। और इसके साथ मैं एक सॉस रेडी करूंगी जो कि बहुत मजे की और बहुत टेस्टी हमारी सॉस बनेगी, ठीक है। और मिनटों में हमारी ये सॉस रेडी हो जाएगी। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर लूंगी मायनीज और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर लूंगी केचप। इनको मिक्स करूंगी। और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। मिक्स कर लूंगी। तो देखें, हमारी सॉस भी रेडी है और गोला कबाब भी रेडी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।